से समझना, एक महापुरुष हमेशा अपनी संगत को समझाया करते थे, भाई नाम जपो नाम जपो, पर वो सब टाल मटोल करते रहते थे कि बाद में जप लेंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, ये जिम्मेदारियां हैं, ये निभा लें फिर अच्छे से नाम जप लेंगे। एक दिन वो महापुरुष संगत के साथ कहीं जा रहे हैं, नदी पार करनी है, उन्हें लेने के लिए बेड़ी आ रही है, बोट आ रही है, सब बेड़ी पर चढ़ गए, महापुरुष बैठ गए, बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, ज्ञान देने के लिए बैठ गए। सारी संगत कहती है महापुरुषों चलो, सब बैठ गए। महापुरुष कहने लगे नहीं मैं तो बाद में जाऊंगा। वो कहने लगे कब बाद में जाओगे? कहने लगे नदी का पानी खत्म हो जाए फिर मैं नदी में से चल के जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो सारे कहने लगे ऐसा कभी हो सकता है कि नदी का पानी खत्म हो जाए और फिर आप जाओगे? तो कभी जा ही नहीं पाओगे। महापुरुष कहने लगे यही तो मैं तुम्हें समझाता हूं कि जीवन की नदी में से जिम्मेदारियों का पानी खत्म होने वाला नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस जीवन की नदी में से जिम्मेदारियों का पानी खत्म होने वाला नहीं है, अपने लिए समय निकाल लो, नाम के जहाज पे चढ़ जाओ और पार हो जाओ। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु।